हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लिस्ट को मर्ज कराने के बारे में। तो चलिए एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, तो यहां पे लिखता हूं नेम। नेम नाम से एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ नाम हम लिखने वाले हैं। तो लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि आप जानते हैं, सिंगल इंटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए हम लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं नाम। तो कुछ नाम मैं जनरली जो होता है वो मैं डाल देता हूं यहां पे। तो यहां पे देखिए, यहां पर कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, राम, रितेश, और यहाँ पे लिख दिया श्याम। कुछ इस तरीके से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, आप देख सकते हैं। अब दूसरी लिस्ट बनाएंगे, तो दूसरी लिस्ट क्या बनाएंगे, तो क्लास की लिस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा क्लास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्लास लिखने के बाद ये कर दिया हमने इज इक्वल टू का निशान लगाया। अब देखिएगा यहाँ पर क्लास जो है सी जो है इसका कैपिटल लेटर से लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्लास का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th, 9th, ठीक है, यहाँ पे 7th, कुछ इस तरीके से क्लासेस का नाम भी हमने दे दिया। अब इन दो लिस्ट्स को हमें क्या करना है, इन दोनों ही लिस्ट को हमें मर्ज कराना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं एक और यहाँ पे ले लेता हूं जिसमें दोनों को हम कंबाइन करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर कंबाइन नाम से बना लेता हूँ कंबाइन। तो ये लिखा कंबाइन, कंबाइन इज इक्वल टू, अब देखिए पहला जो था वो नेम था, तो लिखा नेम और फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे क्लास। तो कंबाइन कर दिया दोनों को, तो नेम और क्लास दोनों ही कंबाइन हो गए। और कंबाइन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो किस चीज को प्रिंट करवाएंगे, तो यहां पर हम प्रिंट करवाएंगे कंबाइन को, ठीक है। तो यहां लिख दिया कंबाइन, कुछ इस तरीके से कंबाइन लिख दिया। और कंबाइन लिखने के बाद इसको बंद करके F5 किया। तो देखते हैं क्या होता है, इसका परिणाम क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइन के ही नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, combine.py, ये लगा दिया, एंटर किया, एंटर किया। और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों ही एक साथ आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से आप कंबाइन करा सकते हैं, प्लस लिख करके भी कंबाइन कराया जा सकता है। अगला तरीका क्या है, अगला तरीका है एस्ट्रैक सिंबल लगा करके, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट कर देने वाला हूँ। कमेंट करने का मतलब है यहाँ पे हैशटैग लगा दे, और यहाँ पर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें क्या करना, स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया है, यहाँ पे एस्ट्रैक लगाएंगे। तो ये हो गया एस्ट्रैक, ठीक है। और एस्ट्रैक नेम लिखेंगे, नेम NAME जैसे लिखा है, कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे एस्ट्रैक सिंबल लगाएंगे, और एस्ट्रैक सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे दे देंगे क्लास। तो नेम और क्लास दोनों ही दे दिया है। अब देख सकते हैं दूसरा भी कंबाइन कराने का क्या हो सकता है। अब यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे COM को, केवल COM को प्रिंट करवा देंगे। F5 करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि सेम वही चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। यानी दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, चाहे एस्ट्रैक लगा के करिए कॉमा दे करके, या फिर आप ऐसे कर लीजिए ये, ठीक है।